हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याज़ा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए ये मोटे मोटे टुकड़ों में प्याज कटे हुए, प्याज को बीच से काट के उसकी पत्तल निकाल ले, और जो अंदर वाली जो प्याज बचती है उससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने। टोटल चार प्याज लिया है यहाँ पे मीडियम साइज़ के, 400 ग्राम पनीर मोटे टुकड़ों में कटे हुए, तीन टमाटर पिसी हुई, अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेनी है, थोड़ी सी क्रीम, नमक स्वाद अनुसार, खड़े मसाले में हमें चाहिए तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, दो हरी इलायची, तीन से चार लौंग और चार पांच ब्लैक पेपर वो लेते हैं, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, मसाले में हमें ये लेना है। तो अब हम चलिए पहले हम पनीर को फ्राई करते हैं। पनीर फ्राई करने के लिए एक पैन या कढ़ाई जो भी है वो बर्तन लेंगे और इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाए तब इसमें हम ये सारे पनीर के टुकड़े डाल देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर को हर तरफ से सेक लेना है। ये हो गया है एक तरफ से, इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए ये पनीर जो है अब हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम जो ये बड़े बड़े टुकड़ों में जो हमने प्याज काट रखी है वो डाल के और हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, इसे भून लेंगे हल्का सा। ये प्याज अब हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तीन से चार चम्मच तेल गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च सारा डाल देंगे। और जब मसाला चटकने लगे तब हम इसमें ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्याज कर रखा है उसको डालेंगे और इसे लाल होने तक भूनेंगे। इसे अच्छे से लाल होने देना है। प्याज को चलाते चलाते भूनना है जिससे कि प्याज तले में भी नहीं लगे और अच्छे से भून जाए। ये देखिए ये प्याज लाल हो गया। अब जो हमने जितने भी मसाले का पाउडर लिया है वो सारे मसाले हम डाल देंगे। और अब जो हमने मसाले डाले हैं वो सारे मसाले को अच्छे से दो मिनट भूनेंगे।
दो मिनट भूनने के बाद अब इसमें जो टमाटर की प्यूरी है वो डाल के इसे भूनेंगे। और नमक, नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आप नमक खाते हैं उसी हिसाब से नमक डाल लें। और अब इसे अच्छे से भूनें जब तक कि जो ये टमाटर है उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और टमाटर के साथ ही आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल दें, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इन तीनों को अच्छे से भूनें। ये मसाला अब अच्छे से तैयार हो गया है। प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया और मसाला अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें जो हमने प्याज को पहले से फ्राई करके रखा था बड़े टुकड़ों वाले, उन सबको डाल देना है। और इसे बस एक मिनट के लिए इसमें भूनना है। एक मिनट भूनने के बाद अब जो हमने पनीर फ्राई करके रख रखा है वो सारे डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसे दो मिनट अच्छे से भुनेंगे, जो पनीर में जो मसाला का जो टेस्ट है वो अच्छे से मिल जाए। दो मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसे दो मिनट के लिए ढक दें। दो मिनट हम ढक के इसे पकाते हैं। दो मिनट हो गए हैं। ये हमारी सब्जी तैयार है। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा क्रीम डाल देते हैं। और गैस को बंद कर दे। ये सब्जी बनके तैयार हो गई।